peace. ये देखें तुरुण चुबा के दर्सी हैं। मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम कोलेगा सन। बाय बाय। बाय बाय। सब्जियां, फ्रूट, ये देखें फ्रूट्स, नित नए जापानी फल है। वेरी नाइस। ये देखिए नाशपाती है, यहाँ के जो मशहूर ऑरेंजेस हैं। अच्छा ये देखिए, एक्सीलेंट। अच्छा यहाँ पे जो है ना लंदन बाज़ार भी है जी, लेकिन ये मेरा ख़्याल है कि जर्मन बाज़ार है। ये सारा जो है ये जर्मन बाज़ार है। ये देखिए, ये देखिए, अमेजिंग ब्यूटी ऑफ थुरुंचुवा। What a piece. क्या खूबसूरती है जी, सुभान अल्लाह। ब्यूटिफुल विलेज, पुरफिजा और पुरसकून रास्ते। वो देखें जी पहाड़ों पे कैसे दुनिया आबाद है। इतनी दूर तो जाना अभी पॉसिबल नहीं है। वॉक करके जो है ना वो सिटी दिखाने का या गांव जो भी है विलेज वगैरह दिखाने का अपना ही एक लुत्फ होता है। वो इसी वजह से कि आप हर जगह को अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ वो फिर मुश्किल हो जाता है। आप अगर ड्राइविंग कर रहे हो ना, आप किसी जगह पर रुक सकते हैं ना, आप फील कर सकते हैं ये खूबसूरती को। ये देखें बादलों की जो कशिश है वो ऐसे जैसे पेंट किया हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम है वासिक और आप देख रहे हैं वासिक के साथ। ये देखिए आप मेरे बैकग्राउंड पे कितने खूबसूरत व्यूज़ हैं, ये सामने देखिए। और आज मौसम बड़ा प्लेजेंट था, यहाँ पे जो है धूप निकली थी, तो इरादा किया कि आज आपको थुरुंचुवा दिखाऊँ। ये वो गाँव है जहाँ पर रहते हुए मैंने बहुत से सिटीज़ को कवर किया, यानी आप ये समझ लें कि अगर मैंने अलानिया के बाद जितनी भी ट्रैवल किया है वो जितने भी सिटीज़ को कवर किया है मैंने इस सिटी में, इस गांव में रहते हुए किया है। तो आज मैं ये गांव दिखाता हूँ आपको, मेरे साथ रहिए। देखिए आज जुमा था माशाल्लाह। ये देखिए इतनी पुरानी मस्जिद है, मीनार देखें। ये बनाई थी 1945 में ये मस्जिद जो है। ये देखें आपको अंदर से भी विज़िट करवाता हूँ ये मस्जिद। आज जुमा था इस वजह से जो है। आज 16 डिग्री है यहाँ पे लिखा हुआ होता है। बुज़ुर्ग हजरात जो हैं सारे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमाज का टाइम तो ख़त्म हो गया, सब ने नमाज पढ़ ली है। ये देखिए सारा लिखा हुआ है इसके अंदर, सुभान। इतनी प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह। ये देखिए फानूस। बुजुर्ग हजरात ही हैं इस जो एरिया है ना यहाँ पे थुरुंचुवा में। ये देखें बच्चों का, ये भी रिसेंटली इन्होंने स्टार्ट किया है यहाँ पे। आप ये देख लेना गांव है ये, तो गाँव के हालात इतने अच्छे हैं तो शहर कितने अच्छे होंगे। ये देखिए किस कदर खूबसूरत गांव है माशाल्लाह। और यहाँ भी 2 दिन हुए, बड़ी मुश्किल से बस
मैनेज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि बारिशें जो हैं वो रुकती नहीं हैं। अभी भी आप देख लें मौसम बड़ी मुश्किल से फिर दोबारा से जो है बादल आ रहे हैं, वो सामने देखें, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। आज असल में है फ्राइडे और फ्राइडे को आपको दिखाना चाह रहा हूँ, फ्राइडे मार्केट तो वो है इंशाल्लाह ताला। छोटा गांव है ना, इसलिए सब की नज़रें होती हैं, गौर गौर से देखते हैं कि हाँ जी भाई क्या है। इसके एक हाथ पे कैमरा भी तो अनोखा है ना, ये भी तो मसला है, कैमरा भी अनोखा है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कोनाकली का बाज़ार, बस उस तरह से ये भी बाज़ार है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। ये देखें स्वीट्स रखी हुई, मरहबा हाइलो जुमालार कार्दिशिम नसलसनस। ये देखें ये मीठी डिफरेंट किस्म की ना आइटम्स हैं, किसी के अंदर जो है वो वॉलनट ऐड किया हुआ है, किसी के अंदर जो है वो बुने आप वो किए शिलवार या हाँ वो जो होती ना आपकी तिल होते हैं, तिलों को रंग दे के भीर बनाया हुआ है। जैसे कोला है गैसन हाइलो जुमलार, ये देखे इस तरह करके ये सारी जो है ना मार्केट है। फिर ये गांव के जो गांव का जो है ना वो ये माहौल है ज़रा गांव, ये टूरिस्ट एरिया नहीं है। ये देखें ये स्पाइस रखे हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्पाइस। आ भी मरहबा वो हिना मिना हाँ मेहंदी अजीत बेदी मेहंदी सारे हैं रंग। हाँ ये देखिए वो ये ज़ाफ़रान है, ये ज़ाफ़रान। अच्छा जी हर चीज़ अवेलेबल है माशाल्लाह, हर चीज़ है। ये देखें यहाँ बच्चों बच्चुंगड़ों के जो हैं वो खिलौने हैं, अगर आपके बच्चे रो रहे हैं उनको मनाने के लिए डिफरेंट। ये सिलाइयाँ मशीनें हैं जी, मरहबा हाइलो जुमालार। ये देखे छोटे से गांव के अंदर ना बंदा फिर उसमें आ जाता है नज़रों में कि ये जो है कोई अनोखी सी चीज़ लेके जो है। ये देखें बिस्किट्स हैं, ओ क्या क्या दुनिया की चीज़ें हैं, ये ऑर्गेनिक है जी, ऑर्गेनिक दुनिया। ये देखिए मरहबा हाइलो जुमालार। ये मौसम कुछ बेहतर है, ये देखिए ऑयल्स हैं हाइलो जुमालार। ये देखिए ऑयल्स हैं सारे हेप्सी ऑर्गेनिक में तमाम मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सारी जो चीज़ें वो प्योर हैं, कहते हैं हाँ जी प्योर। तो शेकुलर हाइलो जुमालार, ये कैसे सारा जो मरहबा हाइलो जुमालार, इस तरह करके जो है ये सारा किस तरह से यहाँ। हालांकि ये गांव है लेकिन गांव की अपनी एक रौनक है। ये देखिए ये देखिए अंडे खालिस अंडे, मरहबा अबला ये देखिए ये देखिए। अब क्या करें यहाँ, इस तरह तो होना ही था ना सब चले जी। ओह ये देखिए ये बाजार है, इसको कहते हैं खपल बाजार येरी, ठीक है। इस तरह से जो है वो सारा बाजार बनाया हुआ है जहाँ पे सारे लोग जो है फिर अपनी वीकली जुमे के दिन ये सारा करते हैं, सारा इस तरह से सेटअप, सारा सेटअप बनाते हैं जुमे के दिन। ये देखें सारा फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट है ये सारा। ये देखिए स्ट्रॉबेरी अभी भी है यहाँ पे, ये देखिए स्ट्रॉबेरी मरहबा हाइलो जुमालार। ये देखिए मेवे ये हैं, ये देखिए वाओ लवली, गांव लगता ही नहीं है कहीं से भी, ये कहीं से भी ये गांव नहीं लगता। ये देखिए मरहबा हाइलो जुमालार। ये देखिए सब्जियां ज़्यादा आपको नज़र आएंगी यहाँ पे, मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैं वो सब्जियां ही हैं, फ्रूट्स भी हैं, ऑर्गेनिक आइटम्स भी हैं यहाँ पे। ये देखिए जिस तरह ये ऑर्गेनिक है सारी, ये सारी यहाँ पनीर है, पनीर पड़ी हुई है सारी। ये देखिए ये सारी जो है ये इधर ज़बरदस्त एक्सीलेंट पनीर ही है, पनीर की मुख्तलिफ फॉर्म है मुख्तलिफ किस्म की। मौसम जो है वो बदलना शुरू हो चुका है, बस थोड़ी देर ही मुझे लगी है बाहर आते हुए।
अच्छा ये जो है ना मरबा है लजुमालार, ये जो है ना ये है तिलों की पेस्ट और ये है अंगूरों की पेस्ट। तो ये पेस्टों को जो है ना वो बना के, और ये जैतून का जो जैतून का ऑयल है ये, ठीक है, इस तरह करके जो है सारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये देखें सेब वगैरह सारे जो हैं। मौसम बदलने शुरू हो चुका है जी, देखें क्लाउड सामने बिल्कुल भरता जा रहा है। अच्छा जी, ये जी गंदम है। मरहबा, हेलो जुमालार, वाह जी वाह, ये आलू शालू हैं, ये दालें पड़ी हुई हैं, क्या बात है। अच्छा आपको मज़े की बात बताता चलता हूँ कि ये अब सारा सेटअप जो है ये लगाते भी हैं और शाम तक इनको क्लियर करना होता है, और यहाँ का जितना भी कंट्रोल है ना वो यहाँ की जाब्ता करती है। जाब्ता जो है वो पूरा एक सेटअप जो है उसको कंट्रोल करती है कि मतलब कोई किसी ने ज़्यादती तो नहीं की हुई, कोई प्राइसेस तो नहीं ज़्यादा, और अगर उनको कहीं लग जाए कि प्राइस यहाँ पे जो है वो ज़्यादा है तो वहाँ पे उनको जुर्माना कर दिया जाता है। तो ये सारे मामलात हैं, सारा कुछ है। तो यानी हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर जिस तरह एक पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि इंसान की या इंसानी जानी और जान की और माल की हिफाजत करना, इस तरह यहाँ पे जो है ज़रई अजनास हो गई, खुराक हो गई, और इसके हवाले से जो है ज़ाब्ता कंट्रोल करता है। तो ये है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आज मैं आपको दूसरे वे से दिखाता हूँ। अगर आप वेजिटेबल की बात करें और फ्रूट्स की बात करें, कितनी फ़ाइन क्वालिटी है, साफ़ सुथरा है। यानी कि आप ये इस चीज़ को देखें कि कितनी सफाई के साथ जो है, ये नहीं होता कि ऐसी वैसी जो है सब्ज़ी ख़राब है और रख दें वो मार्केट में सेल करने के लिए, ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। मौसम जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया फिर से। ये देखें ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें ओपन रेस्टोरेंट्स हैं, लोग बैठे हुए हैं, क्रॉकरी सेल कर रहे हैं यहाँ पे, इसी तरह जिस तरह हमारे बाज़ार नहीं लगते ओपन इस तरह से। ये देखिए, ये है ओपन बाज़ार, डिफरेंट किस्म की क्रॉकरी है जी पड़ी हुई, जूते भी पड़े हुए हैं, क्या बात है, हर चीज़ दुनिया की। यानी आपको ये कहीं से गांव नहीं लगता, किस कहीं से भी आपको गांव नहीं लगता कि हाँ जी ये कोई गांव है। ये जो तुरुनचुवा गांव है, इसका नाम फिर से प्रोनाउंसिएट करता हूँ, तुरुनचुवा, ठीक है। ये तुरुनचुवा जो है ये बड़ा यूनिक सा गांव है जी। इसमें देखें कितना जो है प्लेजेंट वेदर है इस टाइम, और वह सुभान अल्लाह, ये सारे ऑरेंज ट्रीज़ हैं, ये आप देख सकते हैं ये सारे ऑरेंज ट्रीज़ हैं, और ये देखें कितना प्लेजेंट वेदर है, हवाएं चल रही हैं। अभी शुक्र है कि धूप निकली हुई है, वरना दो तीन दिन तो मुसलसल बारिश हुई थी, और यहाँ पे शुक्र अच्छा सिस्टम होने की वजह से बारिश वगैरह जब होती है तो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता। अंतालिया ज़रूर आएँ, बस मेरा तो सबको यही कहना है, अंतालिया जब टर्की आना है ना आपने, इस्तांबुल को साथ रखें, इस्तांबुल, कापाडोकिया और अंतालिया, इन तीन एरियाज़ में तो आपने लाजमी आना है, ठीक है। बाकी जो है वो आप लोग ख़ुद जो है वो डिसाइड करें। ये देखें जी यहाँ पे खजूरों के दरख्त भी लगे हुए हैं जी, पूरा माहौल बना हुआ है ज़बरदस्त किस्म का, एक ढांचा जैसा ही खड़ा है बस, और यहाँ मना किया है कि इसके करीब बिल्कुल नहीं आना आपने, वो उधर लिखा हुआ है बी केयरफुल, यानी जो है शुक्र है कोई इंसान नज़र आया है यहाँ पे। ये देखिए ना, गांव में ऐसी इतनी प्यारी प्यारी रोड्स का कोई क्या काम है, तो बहुत ही खूबसूरत और मेंटेन करके जो है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गांव, वेरी नाइस। कभी मौका मिला ना इंशाल्लाह ताला स्कूल भी दिखाऊंगा। यहाँ फैक्ट्रीज़ में मैंने ना दो तीन दफ़ा कोशिश की जाने की, देखने की उन लोगों से जो है वहाँ के मालिकान, उनसे बात करने की कि आपकी फैक्ट्री को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ, यहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने ना एक्सेप्ट नहीं किया, पता नहीं क्यों। ये मुझे जो रीज़न सिर्फ नज़र आई है ना वो यही कि गैर कानूनी तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं फिर उनकी वजह से जो है ना ये मामलात ऐसे हो गए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो फिर आपको पता है नज़रों में आ जाता है सारा कुछ, तो वो अपनी तरफ से तो भलाई कर रहे होंगे लोगों के साथ, अपनी भी भलाई कर रहे होंगे
अपनी भी भलाई और लोगों के साथ भी भलाई, तो वो फिर मैंने कहा कि चलें फिर रहने दें। माशाल्लाह, गांव की भी सड़कें देख लें आप, राहदारियां चेक करें, राइट लेफ्ट पे ग्रीनरी है और ये नेचुरल है, नेचुरल है। ये जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ना राइट लेफ्ट पे रोड्स के, ये देखें, ये सारी नेचुरल है जी। ये देखिए, ये सारी नेचुरल है। ये ऑरेंज लगे हुए हैं, ना किसी ने कोई खाने ऑरेंज। वाह,